देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरियाणा फल एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन ने दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। आज फतेहाबाद के टोहाना में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ठकराल ने किसान के आंदोलन को एसोसिएशन की ओर से समर्थन का ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा के सब्जी मंडी व्यापारी भी लगातार सरकार से किसानों की तरह ही अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सब्जी मंडी व्यापारियों की कोई बात नहीं सुनी। जिस तरह से किसानों पर सरकार ने लाठियां बरसाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसकी हम एसोसिएशन की तरफ से कड़ी निंदा करते हैं। किसान सड़कों पे है, आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इन चारों राज्यों के, इवन दैट और भी अनेक राज्य हैं जिनके किसान इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा सब्जी मंडी संगठन परिवार की तरफ से उनके आंदोलन को पूरा समर्थन देते हुए उनके साथ हमारा हरियाणा सब्जी मंडी संगठन का परिवार तन, मन और धन से खड़ा है। उनके साथ जिस अमानवीय तरीके से सरकार द्वारा उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन के हमले किए गए हैं, और इसकी मैं पूरे जोरदार तरीके से निंदा करता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ठकराल ने कहा कि हरियाणा का सब्जी मंडी व्यापारी भी किसानों के लिए तन, मन, धन से समर्थन में उतरेगा और प्रदेश की सभी 113 सब्जी मंडी के व्यापारी अपनी गाड़ियों के जरिए दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली कूच किए जाने के समय और तारीख का भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों के आंदोलन के लिए व्यापारी दिल्ली कूच करेंगे। फतेहाबाद से वीडियोस के लिए अजय मेहता की रिपोर्ट।